तो जय श्री कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सामान्य विज्ञान के बारे में। दोस्तों, सामान्य विज्ञान में जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूं मैं। जंतुओं के आर्थिक महत्व का मतलब क्या है कि हम कौन कौन से जंतुओं को पाल सकते हैं घरों में, खेतों में या यहां वहां, और उनसे हम आ, आ, आर्थिक चीजें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दूध प्राप्त कर सकते हैं, अंडा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, रुई प्राप्त, रुई तो क्या कह सकता हूं, जैसे ऊन प्राप्त कर सकते हैं। आ रही है बात आपको समझ में? जैसे रुई तो है ना, पादपों वाले में आएगी, पादपों के आर्थिक महत्व में। अब देखिए दोस्तों, जंतुओं का आर्थिक महत्व, देखिए जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे जूलॉजी कहते हैं। दोस्तों, जूलॉजी का मतलब क्या है? यहां पर देखो जीव लिखा हुआ नहीं है, यहां पर लिखा हुआ है जंतु। तो भैया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी कहलाती है। इसे हिंदी में जंतु विज्ञान या प्राणी शास्त्र भी दोस्तों कहते हैं। संसार में करोड़ों जीव जंतु पाए जाते हैं जिसमें से कुछ हमारे महत्व के होते हैं दोस्तों, और इन महत्व वाले जंतुओं को जो मनुष्य है ना, कुछ जंतु तो ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें मनुष्य प्राचीन काल से ही अपने उपयोग के लिए पालता आया है, जो कि इस प्रकार से है। अभी अपन पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे गाय के बारे में देखेंगे, भैंस के बारे में देखेंगे, बकरी के बारे में देखेंगे, भेड़ के बारे में देखेंगे, लाख कीट के बारे में देखेंगे, ठीक है, मधुमक्खियों के बारे में देखेंगे, रेशम कीट के बारे में देखेंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है दोस्तों, तो आप देखिए ध्यानपूर्वक। गाय के बारे में देखिए दोस्तों, गाय गाय का पालन दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। गाय का उत्पादन दोस्तों किसके लिए किया जाता है? गाय का उत्पादन, जो गाय का जो पालन है दोस्तों वो किसके लिए किया जाता है? गाय का जो पालन है वो दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। सबको दूध चाहिए भैया, चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए, पीने के लिए। दूध प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है दोस्तों, ठीक है। अगर प्रोटीन चाहिए तो दूध पीना होगा। दूध किससे मिल रहा है? गाय से मिल रहा है, बकरी से मिल रहा है, भैंस से मिल रहा है दोस्तों। तो ये वाली बात हमें ध्यान होनी चाहिए कि भैया गाय का पालन दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। और सुने आप, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो बोस इंडिकस होता है एवं बोस तोरस होता है दोस्तों। इसका जीवन काल लगभग 20 वर्ष का होता है, ठीक है। गाय की जो मुख्य नस्लें हैं वो है साहिवाल, सिंधी, गिर, गिर को काठियावाड़ी भी कहते हैं दोस्तों, काठियावाड़ी, कांकरेज हो गई, थार पारकर हो गई। कुछ अन्य नस्लें भी है दोस्तों, जैसे कि हरियाणवी और देओनी। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस है या बोस तोरस भी कहते हैं दोस्तों। और इसकी कौन कौन सी नस्लें हैं? जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि साहिवाल नस्ल किस पशु की होती है? ए गाय, बी भैंस, सी रेशम कीट, और डी क्या हो गया? भेड़ हो गया। तो सही क्या उत्तर होगा? गाय की होती है दोस्तों। गाय की मुख्य नस्लें कौन सी है? जैसे कि शाहीवाल है, सिंधी नस्ल है, गिर है, गिर को काठियावाड़ी भी कहते हैं दोस्तों, ये वाली बात हमें ध्यान होनी चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों कांकरेज होगी, थार पारकर होगी, वह अन्य कुछ नस्लों में हरियाणवी व देओनी आदि भी होती है दोस्तों। विदेशी नस्लों में कौन कौन सी आती है गाइया? जैसे जर्सी गाय हो गई, रेड देन हो गई, होल्ड टीन आदि गाय हो गई। तो जर्सी, रेड देन, होल्ड टीन, ये सारी की सारी गायों की विदेशी प्रजातियां हैं दोस्तों। कैसी प्रजातियां हैं? विदेशी प्रजातियां हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो। देखिए इसमें जो समझाने की चीजें हैं मैं आपको समझाऊंगा, जो आप याद कर सकते हैं ना उसे आप याद भी कर लेना। अब अपन किसके बारे में देखेंगे? अब अपन भैंस के बारे में देखेंगे दोस्तों। लेकिन भैंस के बारे में बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या था? बोस इंडिकस और बोस तोरस, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भैंस के बारे में आप देखिए, भैंस का वैज्ञानिक नाम
बुवेलस बुवेलिस है दोस्तों। क्या है भैंस का वैज्ञानिक नाम? बुवेलस बुवेलिस। इसका जो जीवन काल होता है वो 20 से 25 वर्ष का होता है दोस्तों। कितना होता है? 20.25 नहीं है, 20 से 25 वर्ष तक का होता है दोस्तों। भैंस की जो मुख्य नस्लें वो है मुर्रा, भदावरी, जफराबादी, सूरती, नागपुरी, मेहसाना व नीली रानी है। आपसे पूछा जा सकता है नीली रानी किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। इसी प्रकार से मुर्रा, भदावरी, जफराबादी, सूरती, नागपुरी सारी की सारी दोस्तों किसकी नस्लें हैं? सारी की सारी किसकी नस्लें हैं? ये सारी की सारी भैंस की नस्लें। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? बुवेलस बुवेलिस है दोस्तों। क्या है? बुवेलस बुवेलिस है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, बकरी के बारे में देखेंगे दोस्तों। बकरी के बारे में आजकल तो चलो बकरी पालन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक समय था जब लोग गाय भैंसों से ज्यादा बकरी पाला करते थे। गांधी जी भी तो बकरी का दूध पीते थे, तभी वो इतने स्ट्रोंग थे, ठीक है ना। तो देखो जो बकरी होती है ना दोस्तों, बकरी एक छोटा सा जानवर है और पेड़ पौधों की पत्तियां भी खा लेती है, घास भी खा लेती है। अगर चारा अदर दूसरा चारा खिलाओगे तो वो भी खा लेगी और दूध भी देती है अच्छा खासा। तो भैया कुछ क्षेत्रों में दूध की कमी को दूर करने के लिए बकरी का पालन किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में दूध की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? बकरी का पालन किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। क्या नाम है बकरी का वैज्ञानिक नाम? कैप्रा हिरकस है दोस्तों। और इसका जो जीवन काल होता है वो 10 से 13 वर्ष तक हो सकता है दोस्तों। अब इधर आप देखिए, बकरी की जो मुख्य नस्लें हैं वो है जमुनापारी, बारबारी, चंबा, कश्मीरी, पश्मीना, बीटल, मारवाड़ी आदि। सारी की सारी क्या है दोस्तों? बकरी की बहुत उत्तम नस्लें हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैप्रा हिरकस है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो बकरी होती है उसकी कौन कौन सी नस्लें महत्वपूर्ण है? तो जमुनापारी, बारबारी, चंबा, कश्मीरी पश्मीना, बीटल, मारवाड़ी सारी की सारी दोस्तों बकरी की बहुत अच्छी नस्लें हैं। अब आगे बढ़ता हूं मैं, भेड़ के बारे में देखते हैं दोस्तों। भेड़ को दूध व ऊन के लिए पाला जाता है। मुख्यतया तो भैया ऊन के लिए पाला जाता है। सर्दी हो रही है अभी भैया, सर्दी में सबको सर्दी लग रही है। कोई हीटर लगा रहा है, कोई गीजर लगा रहा है और मोटे मोटे स्वेटर सब पहनेंगे। अब स्वेटर वगैरह बनाने में ऊन का उपयोग होता है दोस्तों। और ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़ से प्राप्त होती है। भेड़ के जो बाल होते हैं ना शरीर पर, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊन कहते हैं। ठीक है, अब इधर आप देखिए, भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस अराइज है। क्या है भेड़ का वैज्ञानिक नाम? ओविस अराइज है दोस्तों। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओविस अराइज होता है दोस्तों। भेड़ की जो मुख्य नस्लें होती है वो कौन सी होती है? लोही हो गई, नली हो गई, कौन और कौन सी होगी? भाकरवाल हो गई, रामपुर बुशायर हो गई दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस अराइज है दोस्तों। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि भेड़ की कौन कौन सी नस्लें होती है? एक तो लोही होगी दोस्तों, एक नली होगी दोस्तों। कौन सी होगी? लोही होगी, नली होगी दोस्तों। इसी प्रकार से भाकरवाल हो गई दोस्तों और रामपुर बुशायर हो गई दोस्तों। रामपुर बुशायर के बारे में आ सकता है कि रामपुर बुशायर किस जंतु की नस्ल है? गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, तो क्या बोलोगे? और क्या हो सकता है ऑप्शन में? भेड़ भी हो सकता है। तो सही उत्तर होगा भेड़ की नस्ल है। आई बात आपको समझ में? और देखिए दोस्तों, मुर्गी पालन के बारे में अब अपन देखेंगे। मुर्गी पालन, ठीक है, मुर्गी पालन को इंग्लिश में पोल्ट्री भी कहते हैं। और जिस स्थान पर मुर्गियों को पाला जाता है उस स्थान को पोल्ट्री फार्म कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसे? पोल्ट्री फार्म कहते हैं। मुर्गी पालन मुख्य रूप से अंडा व मांस के लिए किया जाता है दोस्तों। मुर्गी पालन किस लिए किया जाता है? मुख्यतया अंडे व मांस के लिए किया जाता है। देखो जनसंख्या जो बढ़ रही है, जो ये बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसमें प्रोटीन की कमी से है ना लोगों को कुपोषण हो जाता है। प्रोटीन का कुपोषण हो जाता है। प्रोटीन के कुपोषण को दूर करने के लिए मांस मछली का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, तो पोषक तत्व तो ज्यादा होते हैं मुर्गियों में और उसके अंडे के अंदर, तो इसलिए लोग इसे खाते हैं। मुर्गी का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों वो क्या होता है? गैलस डोमेस्टिकस।
क्या होता है मुर्गी का वैज्ञानिक नाम? गैलस डोमेस्टिकस होता है। ठीक है, आप कभी वहां पर भूल जाओ ना, आप कभी इसका नाम क्या वैज्ञानिक, आप कभी पोल्ट्री फार्म में जाके देखना, बिना बात की मुर्गियां गेलियों की तरह, गेलिया मतलब पागलों की तरह करती रहती है, तो गैलस हुई ना मुर्गियां, तो याद कर लेना मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस हो गया। मुर्गी की जो देसी नस्लें हैं वो कौन सी दोस्तों? असील हो गई, गेगस है, चिटगांव है, लाल जंगली मुर्गा है। तो भैया कौन कौन सी? असील, गेगस, चिटगांव, लाल जंगली मुर्गा, भेड़, जो ये मुर्गियां हैं इसकी कैसी नस्लें हैं दोस्तों? ये देसी नस्लें हैं। कैसी नस्लें हैं? देसी नस्लें हैं दोस्तों। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, विदेशी नस्लें कौन सी है दोस्तों? रोड आइलैंड रेड, रोड आइलैंड रेड, ब्रह्मा, प्लाई माउथ रॉक, लैम्सहॉर्न, कॉर्निश, व्हाइट लेग हॉर्न आदि किसकी नस्लें हैं दोस्तों? सारी की सारी मुर्गी की नस्लें हैं दोस्तों। तो मुर्गी की देसी नस्लें कौन सी है दोस्तों? असील हो गई, घेगस हो गई दोस्तों, असील है, घेगस है, चिटगांव है, जंगली मुर्गा हो गया दोस्तों, लाल जंगली मुर्गा, सारी की सारी देसी नस्लें हैं मुर्गी की। इसी प्रकार से दोस्तों विदेशी नस्लों में कौन सी हो गई? रेड आइलैंड रेड हो गई दोस्तों, रोड आइलैंड रेड हो गई दोस्तों, रोड आइलैंड रेड हो गई, ब्रह्मा है, प्लाई माउथ रोग हो गई दोस्तों, लैम्सहॉर्न हो गई, कॉर्निश हो गई, व्हाइट लेगहॉर्न हो गई, सारी की सारी मुर्गियों की क्या होती है? विदेशी नस्लें होती है। मुर्गियों में दोस्तों बहुत सारे रोग हो जाते हैं, अगर ये रोग मुर्गियों को हो जाते हैं तो पोल्ट्री फार्म की कभी कभी तो सारी मुर्गियां ही एक साथ क्या हो जाती है? मर जाती है। तो देखिए आप ध्यानपूर्वक, जैसे कि रानी खेत रोग हो जाता है मुर्गियों में, बहुत खतरनाक रोग है, एक मुर्गी को भी होगा तो धीरे धीरे संक्रामक बीमारी है, दूसरी मुर्गियों में भी फैल जाएगा। तो रानी खेत हो गया, चिकन पॉक्स हो गया दोस्तों, कोलेरा हो गया, फंगा हो गया। तो कौन कौन से रोग है? रानी खेत हो गया, चिकन पॉक्स है, कोलेरा है, फंग है, सारे के सारे मुर्गियों में होने वाले भयंकर रोग है। अंडों से संबंधित क्रांति को रजत क्रांति कहते हैं। भैया पहले अंडे मुश्किल से मिलते थे लोगों को मुर्गी के खाने के लिए, मुर्गी के जो अंडे होते थे दोस्तों वो लोगों को खाने के लिए बहुत मुश्किल से मिलते थे, लेकिन आजकल आप देखेंगे करोड़ों लोग हैं फिर भी अंडों की कोई कमी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि रजत क्रांति चलाई गई है दोस्तों। रजत क्रांति क्या है? रजत क्रांति में क्या किया गया है कि भैया ज्यादा से ज्यादा कैसे अंडा उत्पादन को बढ़ाया जाए, इसे ही रजत क्रांति कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए आप ध्यानपूर्वक, मत्स्य पालन के बारे में देखेंगे अपन दोस्तों। किसके बारे में देखेंगे? मत्स्य पालन के बारे में देखेंगे, मछली पालन के बारे में देखेंगे दोस्तों। मत्स्य पालन, मछली पालन को पिसी कल्चर भी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों एक एक्वा कल्चर भी होता है। क्या होता है? एक्वा कल्चर होता है दोस्तों, एक्वा कल्चर होता है। इस एक्वा कल्चर में क्या होता है? जलीय जीवों की खेती की जाती है, जलीय जीवों को पालना या खेती एक्वा कल्चर कहलाता है। जैसे झींगा मछली हो गई, सीपियां हो गई, पानी में रहने वाले जीव हैं, इनको जब पाला जाता है तो इसे एक्वा कल्चर कहते हैं, या इसे जल कृषि के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर विशेष रूप से केवल मछलियों को ही पाला जा रहा है, उन्हीं का पालन पोषण किया जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मछली पालन या पिसी कल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन मुख्य रूप से मांस के लिए किया जाता है, भोजन है मांस एक प्रकार का, तो मांस के लिए किया जाता है, क्योंकि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा मछली को भोजन के रूप में खाता है। मछली पालक मुख्य रूप से मीठे जल में होता है, जो मछली पालन होता है ना दोस्तों, जो मछली पालन है वो मुख्य रूप से कहां पर होता है? मीठे जल में होता है। मीठे जल का मतलब ये नहीं कि मछली पालने से पहले जल में शक्कर की बोरी उंधा देते हैं कि भैया शक्कर डालो पानी में, सर ने बताया था कि मछली पालन मीठे जल में होता है। मीठे जल का मतलब होता है ऐसा जल जो अलवणीय है, जो खारा नहीं है, जिसमें नमक नहीं पाया जा रहा, उस जल को बोलते हैं मीठा जल। जैसे नदियों का जल, तालाब का जल, झील का जल, झरने का जल, सारा का सारा मीठा जल होता है दोस्तों, इसको स्वच्छ जल भी कहते हैं। जबकि जो समुद्री जल होता है वो लवणीय जल होता है दोस्तों। ठीक है, मुख्य प्रजातियां कौन कौन सी है मछलियों की?
जो हमारी देसी जो प्रजातियां हैं जो खाने के काम में ली जाती है उनको पालते हैं और खाते भी ये लोग। तो क्या हो गई, रोहू हो गई, कतला हो गई, मृगला हो गई दोस्तों। कौन कौन सी हो गई, रोहू है, कतला है और दोस्तों कौन सी हो गई, मृगला हो गई। इसी प्रकार से दोस्तों जो मछली की जो विदेशी प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी है, कॉमन कार्प हो गई, गैम्बूसिया हो गई दोस्तों। कौन कौन सी है, कॉमन कार्प है, गैम्बूसिया हो गई दोस्तों, कॉमन कार्प, गैम्बूसिया। मछली पालन को पिसीकल्चर भी कहा जाता है। अब देखो मछलियों को पालते हैं भैया अपन, मछलियों को अपन पाल रहे हैं, ये मछलियां अंडे देती है, क्या देती है मछलियां, अंडे, और इन अंडों से भैया निकलती है छोटी छोटी मछलियां निकलती है, क्या निकलती है, ये लाइनें में खींच रहा हूं, ये क्या है, छोटी छोटी मछलियां है भैया। इन छोटी छोटी मछलियों को जीरा कहते हैं, जीरा, जीरे की जैसी दिखती है छोटी छोटी, जीरा होता है ना सब्जी छोकते समय डालते हैं, ठीक है। थोड़ी जब बड़ी हो जाती है ना ये मछलियां तो इनको क्या कहते हैं, अंगुलिका कहते हैं, जीरे से क्या बढ़ गई, उंगली जितनी लंबी हो गई, अंगुलिका कहते हैं इसे, ठीक है। और बाद में इन अंगुलिकाओं को तालाब में छोड़ दिया जाता है दोस्तों, कहां छोड़ दिया जाता है, तालाब में छोड़ दिया जाता है। अब इधर आप देखिए मछली के लीवर में, देखो मछली के जो लीवर होता है ना उसमें विटामिन ए पाया जाता है भैया, मछली के लीवर से जो तेल बनाया जाता है उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन ए किससे प्राप्त होता है, तो गाजर से होता है, गाजर में भी विटामिन ए कूट कूट के भरा हुआ रहता है। और आपको पता है जो मछली के जो लीवर का जो तेल है उसमें भी विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। और इधर आप देखिए मलेरिया के जैविक नियंत्रण हेतु गैम्बूसिया मछली का प्रयोग किया जाता है। जो ये गैम्बूसिया मछली है ना दोस्तों, ये मछली आप चाहें तो आराम से छोटे से फिश टैंक में पाल सकते हैं, या यहां वहां घर के आसपास कोई पानी के गड्ढे हैं तो वहां भी इसको पाला जा सकता है। ये गैम्बूसिया मछली क्या करती है, जो मच्छर के जो बच्चे होते हैं, जो लार्वा होते हैं, उनको खा जाती है। इन मछलियों का मुख्य भोजन क्या है दोस्तों, मच्छर के लार्वा हैं। ये मछलियां मच्छर के लार्वा को जब खा जाएगी तो मच्छर की जनसंख्या में क्या आएगी, कमी आएगी, और मलेरिया में भी क्या आएगी दोस्तों, कमी आएगी। मछली के तेल का उपयोग चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। सूखी मछलियों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। यहां तक कि दोस्तों जो चाय हो गई, जो तंबाकू हो गया, उसकी खेती में उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। आप बोलेंगे उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं, ये उर्वरक क्या है, ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें खेत में डाला जाता है। फसल को जब उगाते हैं ना तो फसल पर और खेत में क्या डालते हैं, उर्वरक डालते हैं। ये उत्पादन को बढ़ा देते हैं दोस्तों, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो मछली का जो चूरा हो गया, सूखी मछली के चूरे को खेत में छिड़क देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, रेशम कीट पालन के बारे में देखेंगे दोस्तों। किसके बारे में देखेंगे, रेशम कीट पालन के बारे में देखेंगे। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बॉम्बिक्स मोराई नाम का एक कीड़ा होता है, क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, बॉम्बिक्स जो मोराई है दोस्तों, बॉम्बिक्स मोराई नाम का एक कीट होता है दोस्तों, कीट मतलब कीड़ा होता है। इसका जो बच्चा होता है ना उसे कहते हैं अपन, ऐसा होता है, देखो इसका जो नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा जो बच्चा होता है ना उसको क्या बोलते हैं अपन, कैटरपिलर लार्वा कहते हैं, कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। ये जो कैटरपिलर लार्वा होता है ये क्या करता है, सैतूत की पत्तियां खाता है, सैतूत होता है ना पेड़ होता है, उसकी पत्तियों को ये लार्वा खा जाता है भैया, घपा घप करके पूरा उसको खा जाता है। ये देखो खा रहा है टूट पड़ा पत्तियों के ऊपर। उसके बाद में ये लार्वा क्या करता है, ये जो लार्वा होता है दोस्तों, ये लार्वा, ये जो लार्वा है ये अब एक थूक जैसा पदार्थ निकालता है मुंह से, थूक जैसा, लार जैसे एक लिक्विड निकालता है, पानी जैसा एक चीज निकालता है मुंह से। और ये जो पानी जैसा जो पदार्थ निकालता है ये जब हवा के संपर्क में आता है तो ये बारीक बारीक रेशों में बदल जाता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, रेशम कहते हैं दोस्तों। तो आई होप यहां तक तो आ गई आपको बात समझ में। तो भैया रेशम कीट सर्वप्रथम चीन वासियों ने सीखा था, सबसे पहले चाइना के लोगों ने सीखा था,
चिंग चोंग की हम क्या कर सकते हैं, रेशम कीट पालन कर सकते हैं। आई बात आपको समझ में? तो भैया रेशम कीट पालन सेरिकल्चर सर्वप्रथम किसने किया था? चाइना के लोगों ने किया था। रेशम कीट की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी है? बॉम्बिक्स मोराई तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसी प्रकार से दोस्तों एक और है एंथेरिया असाना, एंथेरिया असाना दूसरी जाति है रेशम कीट की, ठीक है। इससे मूंगा रेशम प्राप्त होता है इसलिए इसे मूंगा रेशम कीट भी कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों रेशम कीट की एक और जाति होती है एंथेरिया फेपिया, और इससे टसर रेशम रेशम प्राप्त होता है इसलिए इस एंथेरिया फेपिया को टसर रेशम कीट भी कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से बॉम्बिक्स मोराई का ही पालन किया जाता है, ठीक है। इसे सहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। इस बॉम्बिक्स मोराई जो कीड़ा होता है, इस कीड़े के जो बच्चे हैं वो उसे कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। कैटरपिलर लार्वा को सहतूत की पत्तियों पर छोड़ दिया जाता है। ये लार्वा पत्तियों को बिना टमाटर सॉस लगाए खाता रहता है धमाधम, और खाता रहता है और उत्तम किस्म का रेशम बनाता रहता है। जो बॉम्बिक्स मोराई रेशम कीट है पूरी तरह से पालतू होता है दोस्तों। रेशम कीट में रेशम ग्रंथियां पाई जाती है। इन रेशम ग्रंथियों से एक तरल पदार्थ की धार निकलती है, ऐसे मुंह से पिचकारी निकलती है, पान खा के नहीं छोड़ते कई लोग भैया, कई लोग तो पान खा के पिचकारी मारते हैं, ये रेशम की पिचकारी मारता है, पत्ते खाता है और रेशम की क्या मारता रहता है, पिचकारी मारता रहता है। और क्या गाना गाता है, खाई के पान रेशम वाला। आई बात आपको समझ में? तो रेशम कीट में रेशम ग्रंथियां होती है जिससे तरल पदार्थ की धार निकलती है, और ये जो तरल पदार्थ की धार है जैसे ही वायु के संपर्क में आती है ये धार रेशम के धागों में बदल जाती है दोस्तों। रेशम का उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। रेशम कीट के मुख्य रोग कौन से, आपसे पूछा जा सकता है कि पेब्राइन रोग किसमें हो जाता है? पेब्राइन रोग रेशम कीट में होने वाला रोग है। इसी प्रकार से मस्कार्डिन हो गया, ग्रेसरी फलेचरी हो गया। तो भैया फेब्राइन, मस्कार्डिन और ग्रेसरी फलेचरी रोग रेशम कीट के अंदर होने वाले रोग हैं, जिसके द्वारा रेशम के उत्पादन में कमी आ जाती है भैया, ठीक है। रेशम कीट विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए बॉम्बिकॉल हार्मोन स्त्रावित करता है। जो रेशम का जो कीट है ना दोस्तों, ये विपरीत लिंग के कीट को आकर्षित करने के लिए क्या स्त्रावित करता है, बॉम्बिकॉल हार्मोन स्त्रावित करता है। जैसे आता ना एड, डीओ लगाओ और आकर्षित करो, तो ये कोई डीओ वीओ नहीं लगाता, इसको प्रकृति ने नेचुरल प्राकृतिक डीओ दिया है बॉम्बिकॉल हार्मोन। और जब ये बॉम्बिकॉल हार्मोन को छोड़ता है हवा में, तो जो विपरीत लिंग वाले जो कीड़े हैं वो इसकी ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सेरिकल्चर भी कह सकते हैं, याद रखना। सेरिकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। अब अपन किसके बारे में देखेंगे? मधुमक्खी पालन के बारे में देखेंगे दोस्तों, मधुमक्खी पालन। अब देखो इधर, आप सबसे पहली बात तो सुन लो भैया, जो मधुमक्खी होती है दोस्तों, ये सामाजिक प्राणी है। कैसी प्राणी है? सामाजिक होती है, ठीक है। इसमें तीन प्रकार के लोग रहते हैं। इसकी जो इसका जो छत्ता होता है ना, छत्ता, उसको कॉलोनी बोल सकते हैं। और इस छत्ते में या कॉलोनी में तीन प्रकार की मक्खियां रहती है। एक तो होती है भैया श्रमिक, जो सारे दिन बस काम करती रहती है। श्रमिक का एक काम है भैया कि काम करना, क्या है, श्रमिक काम करते हैं। दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? दूसरे नंबर पर रानी। रानी का क्या काम है भैया? बच्चे पैदा करना। और राजा का क्या काम है भैया? राजा का रानी के अंडों को निषेचित करना। क्या करना? निषेचित करना। यहां तक आ गई बात आपको समझ में, ठीक है। तो राजा रानी दोनों मिलकर अंडे देते हैं, और उन अंडों से कुछ रानियां बन जाती है, कुछ राजा बन जाते हैं, और बहुत सारे जो अंडे होते हैं वो किसमें बदल जाते हैं? श्रमिकों में बदल जाते हैं, जो बेचारे काम करते रहते हैं सारे दिन। अब इधर आप देखिए, मधुमक्खी को शहद और मोम के लिए पाला जाता है।
एक सामान्य बड़े छत्ते से 40 से 50,000 मधुमक्खियां पाई जाती है। एक जो बड़ा छत्ता होता है ना उसमें 40 से 50,000 तक मधुमक्खियां पाई जाती है। इसमें कौन कौन होता है? रानी होती है, राजा होता है और बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियां होती है। अब आप बोलेंगे, बोले सर समझ में नहीं आई बात कि कुछ अंडों से तो ये श्रमिक बन गए, कुछ से रानी बन गई, कुछ से राजा बन गए, क्यों भैया? अब आप देखिए ध्यान पूर्वक, आप देखिए निषेचित जो अंडे होते हैं, ऐसे अंडे जिन्हें नर ने अपने शुक्राणुओं से निषेचित कर दिया है, उन अंडों से दो तरह की मक्खियां पैदा होगी, शर्मिक और रानी। जिन शर्मिक मक्खियों को रॉयल जेली भोजन खिला दिया जाता है वो अपने आप ही किस में बदल जाती है? रानी में बदल जाती है। तो निषेचित अंडों से शर्मिक व रानी मक्खियां उत्पन्न होती है, जबकि अनिषेचित अंडों से नर बनते हैं जिसे ड्रोन कहते हैं। दोस्तों मधुमक्खी की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी है? जैसे कि एपिस इंडिका होगी, ठीक है, एक तो टाटा इंडिका होती है, वो कार वाली बात नहीं कर रहा हूं, एपिस इंडिका होगी, एक एपिस डोरसेटा होगी, एक एपिस फ्लोरिया होगी। दोस्तों फ्लोरिया भी आ सकता है, लिखा हुआ फ्लोरिया भी आ सकता है। एपिस मेलीफेरा होगी दोस्तों, एपिस मेलीफेरा को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। वैसे तो इनसे बड़ी बड़ी मधुमक्खियां भी होती है जो ज्यादा शहद बनाती है खूब सारा, लेकिन वो मधुमक्खियां होती है सिंगम की तरह। अगर उन मधुमक्खियों के कोई उंगली भी लगा दे तो मधुमक्खी क्या बोलती है? आता माजी सटकली। वो मधुमक्खी मतलब कुछ मधुमक्खियां शहद तो बहुत बनाती है लेकिन उनको पालना संभव नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सेल प्रवृत्ति की होती है। लेकिन जो एपिस मेलीफेरा है ये छोटी तो होती है साइज में, ये शहद भी कम बनाती है, लेकिन इनको आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। मधुमक्खी का लार्वा मेगट कहलाता है दोस्तों। मधुमक्खी में अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है? बिना निषेचन के जनन। बिना निषेचन के जब जनन होता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। अभी भी बात समझ में नहीं आई? दरअसल क्या होता है, जो अंडा होता है ना वो उस अंडे को हमेशा कोई शुक्राणु निषेचित करता है। निषेचन मतलब अंडाणु और शुक्राणु के मिलने को ही क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। और दोनों के मिलने से एक नई कोशिका बनती है, वही आगे जाकर बच्चों का निर्माण कर देती है। लेकिन भैया कभी कभी क्या होता है, कुछ अंडे ऐसे होते हैं जो बिना शुक्राणु के ही, बिना शुक्राणु के संपर्क में आए ही डायरेक्ट ही बच्चों में बदल जाते हैं। इस प्रकार के जनन को ही अनिषेक जनन कहते हैं। और जो इनके छत्तों से मोम प्राप्त होता है उसका उपयोग क्रीम बनाने में, मूर्तियां बनाने में, फर्श की पॉलिश बनाने में, बूट पॉलिश बनाने में, औषधियां आदि बनाने में किया जाता है। शहद का उपयोग रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिसका हीमोग्लोबिन कम है वो शहद का उपयोग कर सकता है अपने भोजन में, लेकिन कम खाना है, ये नहीं कि एक बार में ज्यादा खा जाएंगे, ठीक है ना। तो मोम की ग्रंथि श्रमिक मक्खी में पाई जाती है। भैया जो ये रानी है इसका काम है पड़े रहना, खाते रहना और बच्चे पैदा करना। नर का भी क्या काम है कि भैया रानी, जो रानी के साथ में क्या करना, उसके अंडों को निषेचित करना। जबकि श्रमिक के बहुत सारे काम है, छत्ते की सफाई करना, बच्चों का ध्यान रखना, अंडों का ध्यान रखना, रानी की सेवा करना, राजा की सेवा करना, नर मतलब राजा मतलब नरों की सेवा करना, ठीक है, शहद लाना, ठीक है, फलों मतलब फूलों का रस लाना, उससे शहद बनाना, बहुत सारे काम है भैया, ठीक है। मधुमक्खी की देखो, मधुमक्खी विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए जिरेडियोल हार्मोन स्त्रावित करती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो जैसे रेशम कीट बॉम्बिकोल हार्मोन स्त्रावित करता है, वैसे ही मधुमक्खियां विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए, विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए जिरेडियोल हार्मोन स्त्रावित करती है। मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर कहते हैं। भैया मछली पालन को पिसीकल्चर कह रहे थे, रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कह रहे थे, मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर कहा जाता है। दोस्तों अब अपन क्या पढ़ेंगे, कुछ अन्य आर्थिक महत्व के जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ रह ना गया, कुछ नहीं रहा, शायद इसमें आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब आप देखिए कुछ अन्य आर्थिक महत्व के जंतु, जैसे कि देखिए केचुआ, केचुए को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अर्थवर्म कहते हैं, मिट्टी में रहता है, ऐसा लंबा सा जीव होता है। ये क्या करता है,
मिट्टी को खाता रहता है और मिट्टी में जो पत्तियां वगैरह होती है ना उसको भी खा जाता है, और वापस खाकर जैसे पान खा के थूक देता है ना, वैसे ये भी मिट्टी को और उसमें पाए जाने वाली जो पत्तियां वगैरह उसको खाता है और वापस मुंह से निकाल देता है बाहर और उपजाऊ बना देता है मिट्टी को। तो भैया केचुओं का उपयोग वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने में किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद मतलब जैविक खाद, ऐसी खाद जो फलों से, पेड़ पौधों की पत्तियों से, इससे तैयार की जाती है। जो खाद जैविक कचरे से तैयार की जाती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसको बनाने में इसका उपयोग होता है। भैया जो केचुआ होता है वो भूमि को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। और तो और एनेलिडा फाइलम का सदस्य है, इसके ग्रुप का क्या नाम है, एनेलिडा, एनेलिडा फाइलम का सदस्य है दोस्तों। मछलियों को पकड़ने में भी ये भोजन के रूप में या चारे के रूप में काम में आता है। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। अब ये पूछा जा सकता है वर्मी कल्चर क्या है, वर्मी मधुमक्खी पालन है क्या? नहीं, वर्मी कल्चर मतलब होता है केचुआ पालन। इसी प्रकार से दोस्तों प्रोटोजोआ क्या होते हैं, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटोजोआ कहते हैं। और इनका क्या उपयोग होता है, जल में हानिकारक जीवाणुओं को मारकर खा जाते हैं, और जो मल मूत्र होता है जो सड़ता रहता है उसको भी ये विघटित कर देते हैं और वातावरण को प्रदूषित होने से ये बचाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जैसे राजस्थान है, राजस्थान में महिला दूसरे स्टेट में भी पहनती होगी, लेकिन जैसे मैं राजस्थान की बता रहा हूं, यहां पर ज्यादातर जो महिलाएं होती है वो लाख से बनी हुई चूड़ियां पहनती है। लेकिन आपको पता है ये लाख आया कहां से है? दरअसल एक है ना कीड़ा होता है जिसे बोलते हैं लाख का कीड़ा या लाख कीट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टेकार्डिया लेका। टेकार्डिया लेका क्या करता है, पेड़ के ऊपर रहता है और उसके रस को चूसता रहता है, और पेड़ को रस को चूसता रहता है, और ये टेकार्डिया लेका एक लिक्विड छोड़ता है अपने शरीर से। उस लिक्विड के द्वारा इस कीड़े के चारों तरफ एक ना परत सी बन जाती है, और वो परत इसके घर का काम करती है। उस परत में ये कीड़ा छुपकर बैठा रहता है, उस परत को ही लाख कहते हैं। उस परत को चाकू से खुरच कर हटा लिया जाता है, फिर उससे चूड़े वगैरह या चूड़ियां वगैरह बना ली जाती है, ठीक है। तो भैया लाख कीट, इसका उपयोग लाख उद्योग में, लाख उत्पादन में किया जाता है। लाख इस कीड़े का रक्षात्मक कवच होती है। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा। आप देखिए, व्यापारिक रेशम प्यूपा से प्राप्त होता है। प्यूपा को कोकून कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, कोकून कहते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने भी आपको बताया था ना कि जो बच्चा होता है वो बच्चा पत्तियां खाता रहता है, उस रेशम कीट का जो बच्चा है ना बॉम्बिक्स मोराई का पत्तियां खाता रहता है, और एक लिक्विड छोड़ता है जो हवा के संपर्क में आते ही रेशम के फाइबर में बदल जाता है, ठीक है। तो उस लार्वा को क्या बोलते हैं अपन, प्यूपा भी कह सकते हैं, कोकून भी कह सकते हैं। तो व्यापारिक रेशम किससे प्राप्त होता है, प्यूपा या कोकून से प्राप्त होता है। दरियाई घोड़े को धरती का रडार भी कहा जाता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा संघ, अब आप बोलेंगे संघ क्या होता है, सुनो आप, जीवों आपस में मिलते जुलते जीवों को, ऐसे जीव जो समान होते हैं लक्षणों में उन्हें एक ही संघ में रख दिया जाता है। दुनिया के जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ना सबको आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है, और ये सबसे बड़ा संघ है दोस्तों। भारत का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। शुद्ध शहद हजारों वर्ष तक भी क्या नहीं होता है, खराब नहीं होता है दोस्तों। अब मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ए दूध से, बी ऊन से, सी मैं बोलूंगा अफीम उत्पादन से, डी रेशम उत्पादन से। तो सही उत्तर क्या होगा, दुग्ध उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार से दोस्तों जो भूरी क्रांति है वो उर्वरक व खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। जो लाल क्रांति है वो मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। इसी प्रकार से नीली क्रांति मछलियों के उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। बागवानी मतलब कि बगीचे में सब्जियां उगाना, छोटे मोटे गुलाब के, हजारे के ऐसे पौधे उगा देना, इसको बागवानी कहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा बागवानी हो सके इसके लिए कौन सी क्रांति चलाई गई है, सुनहरी क्रांति चलाई गई है दोस्तों। गुलाबी क्रांति का उद्देश्य क्या है, झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाना। रजत क्रांति का क्या महत्व, क्या है उद्देश्य, कि भैया अंडा व मुर्गी उत्पादन को बढ़ा देना, अभी अपन ने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले।
और गोल क्रांति का क्या उद्देश्य है? आलू उत्पादन को बढ़ाना, क्योंकि आलू हमारे भोजन बहुत महत्वपूर्ण भोजन है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों बादामी क्रांति का क्या योगदान है कि भैया ये मसाला उत्पादन में वृद्धि कर रही है। इसी प्रकार से इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब क्या है? सभी कृषि उत्पादों में वृद्धि करना। सरकार ने क्या बोला कि हम एक क्रांति का ऐलान करते हैं। कौन सी क्रांति? इंद्रधनुषी क्रांति। और इंद्रधनुषी क्रांति का क्या मतलब है, क्या किया जाएगा इसमें, कि जितने भी कृषि उत्पाद है, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो राजमा हो, चाहे टमाटर हो, चाहे वो कोई सी भी सब्जी हो, कोई सी भी दाल हो, कोई सा भी चावल हो, उसके उत्पादन को हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। इसी को क्या बोलेंगे? इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। सही कह रहा हूं, वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखना, लाइक जरूर करना दोस्तों और कमेंट भी करना, ठीक है। सभी अपना ख्याल भी रखना। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों।